हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की फिल्म शैतान के पहले दिन के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अजय देवगन और आर माधवन की साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म शैतान इस शुक्रवार को सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही शैतान को लेकर काफी बस बना हुआ था। फैंस काफी बेसब्री से इस फिल्म का सिनेमाघर में इंतजार कर रहे थे। वही महाशिवरात्रि के मौके पर शैतान को मेकर्स ने दर्शकों के हवाले कर दिया। इसे देखने के लिए थिएटर्स में ऑडियंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके साथ शैतान ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया। चलिए यहाँ जानते हैं अजय देवगन स्टार फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ों की ओपनिंग की है। हॉरर ड्रामा शैतान का रिलीज से पहले ही काफी क्रेज देखा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1,76,000 टिकटें बिकी है और इसने एडवांस में 4,14,00,000 रुपए की कमाई कर ली थी। एडवांस में सिनेमाघर में पहुंचते ही शैतान ने दर्शकों को अपने वश में कर लिया और इसी के साथ फिल्म को ऑडियंस से काफी शानदार रिस्पांस भी मिला। शैतान को फर्स्ट डे देखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी जमकर तारीफें भी की और इस साल 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म तक बता दिया है। हालांकि क्रिटिक्स ने इसे मिक्स रिव्यूज मिले हैं। वहीं अब रिलीज के पहले दिन की कमाई की बात करें तो शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक शैतान ने रिलीज के पहले दिन 15,21,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ अजय देवगन ने अपनी फिल्म की तानाजी का पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये दृश्यम 2 का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाए। शैतान ने रिलीज के पहले दिन 15,21,00,000 रुपए की कमाई कर ली है और इसी